आरसीबी वैसे तो आईपीएल की सबसे पॉपुलर टीम है, लेकिन टीम ने एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता है। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ी आए, लेकिन कोई भी ट्रॉफी नहीं दिला पाए। टीम कई बार आईपीएल का खिताब जीतने के करीब तो पहुंची, लेकिन ट्रॉफी उठा नहीं सकी। आरसीबी हमेशा अपने खिलाड़ियों को रिलीज करने के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस बार ऐसा उन्होंने नहीं किया। टीम ने अपने ज्यादातर खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए रिटेन किया है, लेकिन अभी इस टीम को कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होगी जो इस टीम को बैलेंस दे सकें। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस साल अपनी अहम टीम को रिटेन किया है। टीम के पास अभी भी 19 खिलाड़ी मौजूद हैं, जिसमें से 5 खिलाड़ी विदेशी हैं। इस साल भी टीम की कमान फाफ डु प्लेसिस के हाथों में रहेगी। अब टीम को सिर्फ 6 खिलाड़ी ही चाहिए, यानी ऑक्शन के दिन टीम को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। आरसीबी बिना जल्दी किए आराम से अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को टारगेट कर सकती है। टीम ने ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस के साथ एक बड़ा ट्रेड और ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को अपने साथ जोड़ लिया है, लेकिन आरसीबी को इसके लिए 17.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। ये टीम के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। आरसीबी के पास इस वक्त 23.25 करोड़ रुपए पर्स में बाकी है और 6 स्लॉट खाली है, जिसमें से 3 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट भी खाली है। ऐसे में आरसीबी किसी विदेशी तेज गेंदबाज पर बड़ा दांव लगा सकती है, क्योंकि आरसीबी के पास पेस अटैक के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सिराज के अलावा भारत का कोई भी बड़ा खिलाड़ी नहीं है। वानिधु हसरंगा, हर्षल पटेल और जोश हेजलवुड को टीम पहले ही रिलीज कर चुकी है। अब टीम को एक ऐसे पेसर की जरूरत होगी जो मोहम्मद सिराज के साथ मिलकर टीम को बैलेंस दे सके। ऐसे में टीम ऑक्शन में मिचेल स्टार्क को टारगेट कर सकती है। वो मिचेल स्टार्क जो पहले भी आरसीबी का हिस्सा रह चुके हैं, टीम ने उन्हें अपने पाले में लाने के लिए कुछ न कुछ प्लानिंग जरूर बनाई होगी। मिचेल स्टार्क के आईपीएल करियर की बात की जाए तो उन्होंने अब तक 27 मैचों में 34 विकेट हासिल किए हैं। उनका एवरेज 20.38 का रहा है और वहीं इकोनॉमी 7.17 की रही है। मिचेल स्टार्क एक ऐसे गेंदबाज जो अच्छी लाइन और लेंथ से बड़े बड़े बैट्समैनों को आउट करने का मादा रखते हैं। स्टार्क ने हाल ही में हुए वर्ल्ड कप 2023 में अपनी धारदार और रफ्तार और स्विंग गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को डराया है और इस टीम को चैंपियन बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए मिचेल स्टार्क ने शानदार परफॉर्म करते हुए टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि आरसीबी इस खिलाड़ी पर बड़ा दांव खेल सकती है और ये टीम में शामिल हो सकते हैं। तो स्टार्क के आने से आरसीबी की टीम की बॉलिंग लाइनअप और मजबूत हो जाएगी, और जो अब तक नहीं हुआ शायद इस बार वो काम हो जाए, यानी कि आईपीएल 2024 की आरसीबी चैंपियन बन जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। न्यूज नेशन पर खेल की खबरों के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।